वेलकम बैक टू माई चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज गिवन बाय नोम चोम्स्की। जैसा कि बात करेंगे नोम चोम्स्की के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्योंकि जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वर्क है आपको देखने को मिलेगा चोम्स्की ने ही किया है, और उनके द्वारा जितनी भी बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, पब्लिकेशंस, वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और उनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखी है, आप वहां से देखिएगा। मैं 100% श्योर हूं कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो वो वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज आपके बुक्स और पब्लिकेशन ईयर के बेस पे था। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूं क्योंकि इसमें हम जो बेसिकली थ्योरीज जो उसमें स्किप भी हो जाती हैं, कई बार स्किप हो चुकी हैं, और साथ ही जो अदर थ्योरीज जिन जो बुक्स के से थोड़ा सा हटके भी हैं, वो थ्योरीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी जानना कि उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, आइडियाज़ क्या क्या थी, कॉन्सेप्ट कौन कौन से उन्होंने दिए हैं। तो कई बार क्या हो जाता है, डी शेशर के द्वारा जो थ्योरीज दी हैं और नोम चोम्स्की ने जो दिया है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए मैं अलग अलग वीडियो दोनों के लिए ही बना रही हूँ। एक वीडियो मैंने डी शेशर की वीडियो आप डाल दी है ऑलरेडी, आप वो देख लीजिएगा। और अभी हम नोम चोम्स्की की थ्योरीज के बारे में बात कर लेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम आने वाले हैं एंड उसके लिए अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा नोम चोम्स्की के बारे में जान लेंगे। सो इनका नाम क्या है, अवरम नोम चोम्स्की, बोर्न December 7, 1928, इज़ एन अमेरिकन पब्लिक इंटेलेक्चुअल, अ लिंग्विस्ट, फिलोसोफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, समटाइम्स called father of modern linguistics, and Chomsky is also a major figure of analytical philosophy and one of the founders of the field of cognitive science, क्योंकि उन्होंने cognition पे भी बहुत काम किया है। so he is a laureate professor of linguistics and at the University of Arizona and institute professor emeritus and Muscat Institute of Technology MIT, and the author of more than 150 books ऑन टॉपिक सच एज लिंग्विस्टिक, वार एंड पॉलिटिक्स। तो इनकी ज़्यादा 150 बुक से ओवर बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं। सो अभी हम बात कर लेंगे, ये हैं आपके नोम चोम्स्की। और सो अभी हम बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ की, तो बहुत अच्छे से इनको ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे क्वेश्चंस। तो आप देखिएगा जो कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है। एंड कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस की जो जैसे कॉम्पिटेंस आपका जो क्या होता है, जो आइडिया होता है जो माइंड में है ना, और परफॉर्मेंस मतलब उसको आप कैसे यूज़ कर पाते हो, दैट इज़ परफॉर्मेंस। तो इसकी वीडियो ये सिर्फ हम यहाँ पे थ्योरीज की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इनके जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं ये टॉपिक्स के, इनकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं किसी भी टॉपिक को देखना है तो। सो यहाँ पे सेकंड आपका थ्योरी आ जाता है, आपकी थ्योरी आ जाती है सेकंड ई लैंग्वेज आई लैंग्वेज। इसमें भी ई लैंग्वेज मतलब एक्सटर्नल लैंग्वेज, आई लैंग्वेज मतलब क्या है आपका इंटरनल। तो ई लैंग्वेज आई लैंग्वेज भी देख सकते हैं। पोवर्टी ऑफ स्टिमुलस की थ्योरी उन्होंने दी। इननेटनेस हाइपोथेसिस भी दिया है इन्होंने। लैड जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इनके बारे में भी इन्होंने ही बताया है। अब लेवल ऑफ एडिक्वेसीज याद रखिएगा, लेवल ऑफ एडिक्वेसीज में आपके ऑब्जर्वेशनल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी एडिक्वेसी है। तीनों थ्योरीज जो है लेवल ऑफ एडिक्वेसी के, ये इन चोम्स्की ने ही दिया है। आइडियल स्पीकर लिसनर वाला कॉन्सेप्ट कभी भी आता है तो ये भी चोम्स्की ने बताया है। जनरेटिव ग्रामर में आप देखेंगे, अब ध्यान रखिएगा सिंटैक्स की जितनी भी बातें आएंगी, जिस सिंटैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं इंक्लूडेड, वो नोम चोम्स्की ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया हुआ। तो जनरेटिव ग्रामर में देखेंगे आप जो डीप स्ट्रक्चर और आपका सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में बात की है उन्होंने बताया है। कर्नल सेंटेंसेस जो होते हैं वो जेलिंग हैरिस के साथ उन्होंने सबसे पहले कर्नल स्ट्रक्चर के बारे में चोम्स्की ने बताया था, उसके बाद उसके जो अदर वर्क्स हैं आगे के जो भी, वो जेलिंग हैरिस ने ही साथ में किया है। एंड एक्स बार थ्योरी के बारे में बताया है। दी प्रोजेक्शन प्रिंसिपल भी इन्होंने ही दिया है 1986 में।
उसके बाद आ जाते हैं आपके दी डोमिनेंट थ्योरी ऑफ सिंटैक्स भी उन्होंने ही दिया है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर 1957 में दिया है, एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ सिंटैक्स भी उन्होंने ही दिया है, लेक्सिकलिस्ट हाइपोथेसिस 1970, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी भी दिया है इन्होंने, साथ ही दी प्रिंसिपल ऑफ पैरामीटर, प्रिंसिपल एंड पैरामीटर थ्योरी भी ध्यान रखिएगा इन्होंने ही दिया है, लेक्चर ऑन वेट ओके सो लेक्चर ऑन गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी भी इन्होंने दिया है, जीबी थ्योरी जो अवर गवर्नमेंट बाइंड सॉरी सेम ही हो गया है ना, गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी इन्होंने दिया है, स्टैंडर्ड थ्योरी भी इन्होंने दिया है, उसके बाद एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी इसी का नेक्स्ट आगे का पार्ट जो था, एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी इन्होंने दिया है, मिनिमलिज्म थ्योरी भी इन्होंने दिया है। तो बेसिकली इसमें हमने थ्योरीज की बात की है, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी हम बुक्स की बात कर रहे होते हैं उनके पब्लिकेशन की, समटाइम्स क्या होता है हम थ्योरी जो अदर थ्योरीज होते हैं उसके अंतर्गत जो आती हैं उनको स्किप कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये अदर वीडियो बनाया है, ऑलरेडी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली वीडियो है वो बना हुआ है, वो देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलूँगी स्किप मत करिएगा, देखिएगा ज़रूर। पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।